इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। शहर की प्रताप नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रक ट्रैक्टर की चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने ट्रक ट्रैक्टर चोरी करने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। प्रताप नगर थाना अधिकारी हिमांशु सिंह राजावत ने बताया कि कुराबड़ के भल्लो का गुड़ा निवासी गंगाराम डांगी ने थाने में रिपोर्ट देते हुए बताया कि उसने 27 जनवरी की रात को ट्रांसपोर्ट नगर में अपनी ट्रक को खड़ा कर चला गया और 31 जनवरी को फिर से आकर देखा तो ट्रक गायब मिला। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके में संदिग्ध युवकों पर नजर रखना शुरू किया। इस दौरान पुलिस को देबारी और डबोक क्षेत्र में संदिग्ध युवकों के आने की जानकारी मिली। सामने आया कि युवक ट्रक को बेचने के लिए घासा से भीलवाड़ा की तरफ जा रहे हैं। तभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर ट्रक को भी जब्त कर लिया। आरोपियों ने अपना नाम भीलवाड़ा के हमीरगढ़ निवासी बालू लाल राजपूत और मांडल निवासी शिव लाल बताया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने 8 चोरी की वारदातें करना कबूल किया है। इस कार्रवाई में प्रताप नगर थाना अधिकारी हिमांशु सिंह राजावत, हेड कांस्टेबल सुनील बिश्नोई, जगदीश मिनारिया, शक्ति सिंह, कांस्टेबल अचला राम, सोहन लाल, महावीर सिंह और साइबर सेल से कुलदीप सिंह की विशेष भूमिका रही।